एक बड़ी खबर आ रही है यूपी के जनपद आगरा से। यूपी के जनपद आगरा में प्यार में धोखा खाई प्रेमिका ने एसएसपी दफ्तर के बाहर की आत्मदाह की कोशिश। प्रेमिका ने छिड़का मिट्टी का तेल। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने युवती को बचाया। प्रेमिका का आरोप, प्रेमी 10 साल से शादी का ख्वाब दिखाकर कर रहा है शोषण। अब शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने उठाया ये आत्मघाती कदम। एसएसपी आगरा ने मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पीड़ित युवती अपनी मां के साथ पहुंची एसएसपी दफ्तर। पीड़ित युवती आगरा की ईदगाह कटकर निवासी बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के जनपद आगरा से। यूपी के जनपद आगरा में प्यार में धोखा खाई प्रेमिका ने एसएसपी दफ्तर के बाहर की आत्मदाह की कोशिश। प्रेमिका ने छिड़का मिट्टी का तेल। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवती को बचा लिया। वहीं प्रेमिका ने प्रेमी पर 10 साल से शोषण करने का आरोप लगाया। प्रेमिका ने कहा कि प्रेमी 10 साल से शादी का ख्वाब दिखाकर उसका शोषण कर रहा था, अब शादी करने से इनकार कर रहा है, इसलिए प्रेमिका ने यह आत्मघाती कदम उठाया। एसएसपी आगरा ने मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। पीड़ित युवती अपनी मां के साथ पहुंची एसएसपी दफ्तर। पीड़ित युवती आगरा की ईदगाह कटघर निवासी बताई जा रही है। आगरा से हमारे सहयोगी अंकुर शर्मा की खास रिपोर्ट। आईजी का सबके घर कंप्लेंट करके देख ली, कुछ भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेडिकल के लिए बोला, कुछ भी और मेडिकल ही नहीं हुआ। पहले क्या मामला है, मतलब जो आपने आज तो सर, एक लड़का था 10 साल से पागल बना रहा है शादी के लिए, कि शादी करेंगे। सर शादी की बात आई तो साथ नीचे करो यार। इसकी भाभी और उसके भैया धमकी दे रहे हैं कि तू जो करना है जो कर ले। कहाँ का निवासी और आप कहाँ करेंगे? कट करके सब कुछ करते यार, क्या फायदा है, कुछ हो ही नहीं रहा था। इतनी देर सबसे 10 दिन से पागलों की तरह भग रहे, कोई भी सुनवाई नहीं हुई है कहीं पर। इस संबंध में आज एसएसपी से मिले हैं आप? सर एसएसपी ने पता नहीं सर लिख के दिया है रिपोर्ट पर। सर मेडिकल के लिए बोला, मेडिकल ही नहीं हो रहा था। फोन ले लिया, फोन लड़का लेकर भाग गया। क्या मांगे आपके? सर मेडिकल हो रहा था। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? सर अभी तो चौक थाने लेकर जा रहे हैं। क्या जानकारी मिल पाई, क्योंकि यहाँ आपके ऑफिस सामने स्ट्राइक किया? वो एक लड़की आई थी सागंज थाना क्षेत्र से, वो अपना एक शिकायत था, इनका प्रेम पसंद संबंध था, पिछले 10 साल से इनका मौसी का देवर सर, मौसा का भाई है, उनके साथ संबंध था। इनका लगातार पिछले 10 साल से इनके साथ संबंध है, दोनों लोग प्यार करता, प्रेम करता, शादी करने की उन्होंने लालच दिया है। बाद में अभी शादी नहीं कर रहे और शादी ना करके उनका धमका रहा, इस तरह की शिकायत है। उसके आधार पर आए कि हमको शादी कराई, इस तरह के उन्होंने अभी आत्महत्या करने का प्रयास किया। पुलिस बाहर हम लोग सभी निगाह रखते हैं, कोई भी इस तरह का कोई कदम उठाता है उनका हम लोग तुरंत उनको बचाने के लिए, और उनका तुरंत पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ कर उनसे पूछा कि उनके क्या दिक्कत है, उनकी क्या परेशानी है, उसका परेशानी हमने समझा है। अभी उसका आगे हम लोग जो कानूनी तरीके कार्य होगा उसका कानूनी तरीके कार्य करेंगे। उनका साथ वो चीटिंग कर रहा है और उनका दबाव बनाया शादी करने के लिए, मना करने के लिए, और कुछ जो भी हुआ उसकी जांच का आधार पर एफ आई आर दर्ज करके योजना करेंगे।